तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्य पत्रक 5 हिंदी कक्षा 7 जो कि आपको 11 अक्टूबर को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आपका 10 नंबर का टेस्ट है बच्चों। तो हमको ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको पढ़ना अच्छे से, और नीचे जो क्वेश्चन है ऑप्शन वाइज उनके आंसर इसी में से हमको देने हैं। तो पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लेना, हम डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में इनके आंसर। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, लड़की किससे बचने का प्रयत्न करती है? तो फर्स्ट में हमारा सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, दुष्ट आदमी से। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, छोटी लड़की का संरक्षण कौन करता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर द राइट होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि पेड़, खंभा और लेटर बॉक्स तीनों इसमें हैं। ठीक है, तो द ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सबसे पहले भूत कहकर कौन चिल्लाता है? तो यहाँ पर हमारा आ ऑप्शन राइट है, कौवा। ठीक है, तो साइड में आंसर लिखे हुए आ रहे हैं, फटाफट आप नोट करते चलना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, सोई हुई लड़की पर किसने अपनी छाया की हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पर सा ऑप्शन राइट होगा, पेड़ ने। पाँचवा क्वेश्चन है, सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ था? तो यहाँ पर भी सा ऑप्शन राइट होगा, पाँचवें में, पापा खो गए हैं। क्लियर है? चौथा, पाँचवा। अगला क्वेश्चन 6, प्रेक्षक शब्द का अर्थ है? तो यहाँ पर भी सा ऑप्शन राइट होगा, दर्शक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, लड़की शब्द का बहुवचन रूप है? तो लड़की एक वचन लिखा हुआ है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कियाँ। तो यहाँ पर हमारा सा ऑप्शन राइट होगा, लड़कियाँ, क्योंकि का पर छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, सा ऑप्शन राइट है, सातवें में, लड़कियाँ। क्लियर है? अगला बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, वाली प्रत्यय वाला शब्द है? तो प्रत्यय पता है, प्रत्यय पीछे आता है, तो पीछे जोड़ के बनाओगे तो दीपावली नहीं बनेगा, कब वाली भी गलत ही है, वकील भी गलत है, तो नाचने वाली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाचने वाली। तो सा ऑप्शन यहाँ पर भी राइट होगा, आठवें में भी आपका, नाचने वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लियर हैं। ठीक है, डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, आदमी शब्द का स्त्री लिंग रूप है? तो आदमी का यहाँ पर ब ऑप्शन राइट होगा, औरत होता है, स्त्रीलिंग। ठीक है, क्या होता है? औरत, आदमी का औरत। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हाथ नहीं लगना मुहावरे का अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बच्चों जो ऑप्शन पहला दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं पश्चिम, परिश्रम नहीं करना, दूसरा प्राप्त नहीं होना, तीसरा गायब नहीं होना, चौथा परिवर्तन नहीं होना। तो यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन राइट होगा, प्राप्त नहीं होना। क्लियर है बच्चों? तो इसी के साथ आपका असेसमेंट 5 हिंदी कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट असेसमेंट के आंसर में।